सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो उस टाइम आप जल्दी से वैक्सीन को कैसे बुक कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या कोविड शील्ड लगवानी चाहिए, यह भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल रैक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या कोविड शील्ड लगवानी चाहिए। अगर बात करें दोनों वैक्सीन की, सो वैक्सीन में फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है। सो आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, उनके हिसाब से आप वैक्सीन लगवा सकते हो। सो अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहता है वैक्सीन बुक करने का। आपको स्लॉट बुक करने के लिए यह प्रोसेस अप्लाई करना होगा कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा cowin.gov.in वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर सर्च करना है सबसे पहले जाकर cowin.gov.in। सो आपके सामने यह वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्री विदाउट लॉगिन किए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अपने स्टेट के हिसाब से या अपने सेंटर के हिसाब से चेक कर सकते हो कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। मैं यहाँ पर राजस्थान में रहता हूँ और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जोधपुर सर्च कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आपको आने के बाद अगर आपकी एज 18 प्लस है तो यहाँ पर आपको 18 प्लस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कोविड शील्ड लगवानी है या कोवैक्सीन लगानी है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर नीचे जो स्लॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर बुक्ड बता रहा है, बुक बता रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो बुक बता रहे हैं। सो यहाँ पर आपको वैक्सीन कैसे बुक करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को। सो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हो, सो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। सो मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। सो वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सो मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है। किस तरह आप फर्स्ट डोज लगवा सकते हो, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया है तो आपको यहाँ पर एड मेंबर का ऑप्शन शो करेगा। सो आपको यहाँ पर एड मेंबर पर क्लिक करना है। सो जैसे ही आप एड मेंबर पर क्लिक करते हो, सो यहाँ पर जनरली आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है आईडी प्रूफ के लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है अपना, और यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। सो नाम लिखने के बाद आपको नीचे जेंडर चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको YYY फॉर्मेट में, यानी कि आपको ईयर यहाँ पर टाइप करना है। सो ईयर लगाने के बाद आपको सिंपली नीचे ऐड पर क्लिक करना है। आपका नाम सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो अभी तक सिर्फ आपका यहाँ पर नाम ऐड हुआ है एंड आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है। सो इससे आपको अभी तक वैक्सीन जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। अपॉइंटमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर आप डेली यहाँ पर आते हो हर आधे घंटे में, एक घंटे में, तो आपका स्लॉट बुक ऐसे नहीं होगा। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है अंडर 45, जो कि डेली की आपको अपडेट देता रहता है। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट भी शो हो रही है, यहाँ पर मेरी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जोधपुर सेलेक्ट कर लेना है या आप जहाँ से भी हो वो सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर 45 जोधपुर करके एक टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टेट सेलेक्ट करते हो या जो भी आप सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चैनल शो करता है, और अगर आप यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको अलग अलग एरिया वाइज टेलीग्राम चैनल शो करेंगे।
आपको अपने एरिया के हिसाब से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही वैक्सीन की स्लॉट अवेलेबल होती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको उस टाइमिंग के हिसाब से उस ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपके इतनी वैक्सीन अवेलेबल हैं या इतने स्लॉट अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर आपको ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक करना है और यहाँ से आप डायरेक्टली चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी बता दूंगा। यह हो गया अपना ग्रुप। उसके बाद आपकी मेन चीज रहती है कि एरिया आपको चेक करना है कि आज इस एरिया में इतनी वैक्सीन आई है और किस पर्टिकुलर टाइम पे वो वैक्सीन आई है, उसको आप एक बार नोट कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ही ग्रुप ज्वाइन किया है और आपने स्लॉट बुक कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं। तो आपको यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप में कितने बजे वैक्सीन अवेलेबल होती है, उस ग्रुप में आपको सारी चीज़ें बता रखी होगी। यहाँ पर आप जो वो टाइमिंग देख सकते हो इसके अंदर, यहाँ पर रात के टाइम भी स्लॉट आते हैं और दिन के टाइम भी स्लॉट आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे 6 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, रात को 9 बजे और कभी कभी रात के 12 बजे भी स्लॉट अवेलेबल होते हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक आइडिया रह जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में स्लॉट अवेलेबल हैं और नोटिफिकेशन आपको इसका मिल जाता है जल्दी। तो आप फटाफट जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत जाना वेबसाइट पर और लॉगिन करके आपको स्लॉट बुक कर लेना है। यहाँ पर वेबसाइट का जो सेशन है वो यहाँ पर 15 मिनट रहता है। 15 मिनट के बाद वेबसाइट जो वो ऑटो लॉगआउट हो जाती है। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी। जब भी आप बुकिंग करो उससे ठीक 5 मिनट पहले आप वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लो। और यहाँ पर आपका मेन चीज़ रहता है, जैसे आप वैक्सीन बुक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो कैप्चा फिल करना होता है। मेन चीज़ आपको कैप्चा फिल करने में ही दिक्कत आती है कि जैसे आप स्लॉट बुक करते हो उस टाइम आपको कैप्चा फिल किए बिना आप उसको नेक्स्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप उमंग ऐप को यूज करते हो तो उमंग ऐप के अंदर आपको कैप्चा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आप उमंग ऐप भी ट्राई कर सकते हो। अब आपको करना है वैक्सीन को बुक। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप पिन भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जोधपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एज 18 प्लस डाल देना है या जो भी आपकी एज हो उसके हिसाब से। देन आपको यहाँ पर नीचे स्लॉट दिखाई दे रहा होगा खाली एक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अब आपके सामने ये एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखा रहा है 9 से 10, 10 से 11, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर सिंपली कोई भी टाइमिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करते हो उसके बाद आपकी जो बुकिंग है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो जाती है। अब आपकी बुकिंग जो है कन्फर्म हो चुकी है, उसके बाद अब आपको क्या करना है। यहाँ पर ये पेड बुकिंग है, मैं इसको बुक नहीं करूँगा, मुझे फ्री वाली लगवानी है। जब फ्री वाला स्लॉट अवेलेबल होगा उस टाइम फ्री वाली वैक्सीन का स्लॉट बुक करूँगा। जैसे ही आप बुक कर देते हो उसके बाद आपको मेन पेज पर आना है। यहाँ पर मैंने वैक्सीन लगवा ली है, यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जिस टाइम आप स्लॉट बुक करोगे उस टाइम आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की जगह अपॉइंटमेंट लिखा हुआ आएगा। अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह का होगा आपका। यहाँ पर आपका डेट होगा जिस डेट को आपका वैक्सीन लगने वाला है और यहाँ पर आपको टाइमिंग भी शो करेगा। टाइमिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको इसी टाइम पर जाकर वैक्सीन लगवाना है, आप 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच किसी भी टाइम जाकर वैक्सीन लगवा सकते हो। ये चीज रहती है। और अब आपका जो मेन रहता है सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड आपका बेसिकली रेफरेंस कोड का जो लास्ट वाला 4 डिजिट है वो आपका सीक्रेट कोड रहता है। आपका स्लॉट भी बुक हो गया है, अब आपको वैक्सीन सेंटर पर क्या क्या ले जाना है। आपको साथ में अपना एक आईडी प्रूफ ले जाना है, जो भी आईडी प्रूफ आपने वहां पर डाला है। यहां पर आपको जो सीक्रेट कोड दिखाई दे रहा है
सो वो सीक्रेट कोड आपको वहाँ पर बताना होगा, तो आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको वहाँ पर एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप को आप वैक्सीन रूम के अंदर जब लेके जाओगे तो वहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए आराम करना होगा वैक्सीन लगाने के बाद। सो कुछ इस तरह का ये प्रोसेस रहता है। अब आपकी जो फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरह से रहेगा। सो यहाँ पर मेरा 9 जून को लगा था वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकंड वैक्सीन की डेट है 7 जुलाई से 21 जुलाई के बीच मुझे सेकंड डोज लगवाना है। और यहाँ पर आप अपने जो भी आपने ऐड किया है मेंबर को उसको यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हो। पहले यहाँ पर ऑप्शन था कि आपने डोज लगवा लिया है तो आप यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते थे, बट अब इन्होंने नया अपडेट ला दिया है कि आप फर्स्ट डोज लगाने के बाद यहाँ से आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। सो पहले आप डिलीट कर सकते थे बट अब आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे। सो ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। सो कुछ इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर रहता है वैक्सीन लगाने का। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।